भाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हो भाई? बताओ क्या हुआ? कैंपिंग कर रहा हूँ भाई। भाई यहाँ पे पहाड़ी एरिया है। हाँ जी, बहुत परेतों का बहुत शोर रहता है भाई। ये तो पता है, यहाँ पहाड़ों में भूत काफी रहते हैं। हाँ जी, हाँ। लेकिन भाई मैं तो प्लेन से आया ना, तो मुझे पता नहीं है ना यहाँ पे। नहीं नहीं भाई, यहाँ से आप अपने सामान को उठाओ और निकलने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पे भूत प्रेत बहुत ज्यादा रहते हैं। हम तो आपकी लाइट वगैरह देखने के बाद तब आए, हम यहीं पर रहते हैं। अच्छा, पास में रहते हो आप? हाँ जी। हाँ, मैंने जैसे गाड़ी खड़ी की थी ना, मुझे ऐसे लगे जैसे कोई लोग बाग यहाँ पे बात कर रहे हैं। हाँ जी, आवाज आई थी। तो भाई मैं फिर ये बोल रहा हूँ, आप निकलने में फायदा है, यहाँ पे भूत प्रेतों का अपने पेड़ों पे बहुत ज्यादा वो है, अपना थोड़ा जल्दी निकलने की कोशिश करना। ठीक है भाई, मैं निकल। दोस्तों देखो, उसमें कुछ आवाज सी लग रही है मुझे। क्या भाई हमने सही डिसीजन लिया यहाँ पे आज कैंपिंग करने का? राहिल भाई, संयम भाई, वीडियो बन रही है। यस भाई, वीडियो बन रही है, कैंपिंग से लाइव आ रहे भाई। और आज कैंप लाइव आना था, आई लाइव भी आई, वीडियो भी डालनी थी यार 8 बजे। बोल भाई, सुने आपने? ऐसा लग रहा है जैसे कोई बोल रहा हो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई कैंपिंग वीडियो में। वेलकम टू कैंपिंग विद आर्यन। और भाई फिर से एक नई कैंपिंग लोकेशन के लिए निकल चुके हैं, और आज फिर से खतरनाक और डीप फॉरेस्ट होने वाला है। और भाई लोकेशन खतरनाक, भाई क्या खतरनाक है। लोकेशन पे पहुंचते भाई, और भाई आपको पता है मैं जब भी लाइव आता हूँ सभी के नाम बोलता हूँ, तो भाई लाइव जब भी आऊ ना तो आप लोग जुड़े, तो जब जुड़ेंगे तो वीडियो में भाई सभी के नाम आएंगे। कल भी मैंने काफी नाम लिए थे लास्ट वीडियो में, तो भाई कमेंट्स जरूर कर देना जी जिसको नाम बुलाना है, और भाई लाइव में जुड़ो तो जरूर आपको भाई मिलते रहेंगे सभी के नाम। तो लोकेशन पे पहुंचते हैं, क्योंकि भाई सोलो फिर से निकले हैं, और भाई सोलो तो भाई पता ही है कि रिस्की होता है, इसलिए मैं जब भी सोलो करता हूं भाई कार कैंपिंग ही करता हूं, या फिर कार प्लस टेंट कैंपिंग दोनों करता हूं। इतना डीप फॉरेस्ट है भाई, कहां निकल रहे हैं हम? ओह माय गॉड, ये देखो भाई, ओ बिल्कुल जंगल डीप फॉरेस्ट है भाई। ओह माय गॉड, देख रहे हो गाड़ी की आवाज भी आ रही है गाइस। देख रहे हो दोस्तों, गाड़ी की आवाज भी खतरनाक आ रही है, क्योंकि नीचे पेड़ है छोटे छोटे वो लग रहे थे। और भाई लोकेशन पे पहुंचने वाले हैं, फिर लोकेशन पे पहुंचते हैं, फिर मिलते हैं आपको। दोस्तों फाइनली भाई कैंपिंग लोकेशन पे आ चुके हैं, और जो भाई लोकेशन है भाई बिल्कुल डीप फॉरेस्ट है। बता दो भाई ये एक हॉन्टेड प्लेस भी है, यहाँ पे कहते हैं कि भाई लोगों की आवाजें आती है, और भाई देखते हैं ना तो कुछ भी पता नहीं लगता कहाँ से आ रही है कहाँ से नहीं। और भाई यहाँ पे आई थिंक पास में कोई रिवर भी है, जिसकी वजह से भाई रिवर की हल्की कोई आवाज़ भी आ रही है पानी की, या तो कोई झरना है या रिवर है पता नहीं, बट जिस लोकेशन पर आए भाई खतरनाक है और हॉन्टेड प्लेस है भाई। और देखते भाई आज का क्या एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि जल्दी से कुछ ना कुछ खाना बनाते हैं, और भाई जो एक्सपीरियंस है ना, कुछ भी होगा ना एक्सवाइजेड, कुछ भी अगर कुछ भी हलचल होती है, कुछ भी होता लगता है भाई, तो वो मैं आपसे हमें हर सेकंड पे हर पल आपसे भाई शेयर करता रहूँगा। अगर भाई कुछ हमें खुल फील होगा ना खतरा, कि भाई अब खतरा कुछ ज़्यादा है, तो भाई निकल जाएंगे भाई यहाँ से रियली। तो जल्दी से भाई अपना सामान सेटअप निकाल लेते हैं, सेटअप निकाल लेते हैं बढ़िया से। दोस्तों अभी से ही ऐसा लग रहा है जैसे कुछ आवाज़ आ रही हो, पता नहीं लग रही भाई, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बात कर रहा हो भाई। दोस्तों देखो, उसमें कुछ आवाज़ सी लग रही है मुझे। क्या भाई हमने सही डिसीजन लिया यहाँ पे आज कैंपिंग करने का? वहाँ पे एक पेड़ है भाई, वहाँ पे लोग बागों ने मतलब कि क्या कहते हैं आत्महत्या ये चीज़ की हुई है। कहते हैं इस एरिया में भाई बहुत कम लोग आते हैं, दिन में तो आ जाते हैं बट 12 बजे दिन में कोई नहीं आता, रात में तो भाई कोई आता ही नहीं है। लेकिन भाई आज देखते भाई हमारे साथ क्या एक्सपीरियंस होता है। आ चुके हैं तो आज कैंपिंग तो करते हैं भाई, क्योंकि अब निकलना तो यहाँ से पॉसिबल नहीं है, कैंपिंग करेंगे, खाना वाना खाएंगे, देखते हैं
और भाई आज मैं ऐसे भी कैंप हॉन्टेड पाया हूँ, तो भाई आज राइस बनाने वाला हूँ। राइस में आज हम कुछ भी बना सकते हैं, बिरयानी भी या फ्राइड राइस भी। लेट्स चेक कि क्या बनाएंगे। पहले जल्दी से भाई सेटअप कर लेते हैं, सेटअप जमा लेता हूँ, लाइटिंग वाइटिंग कर लेता हूँ, क्योंकि लाइटिंग करना भाई बहुत मस्ट है। अगर लाइटिंग नहीं करी ना तो थोड़ा सा मेरे लिए प्रॉब्लम रहेगी, तो जल्दी से भाई सेटअप जमा लेता हूँ। तो दोस्तों अपना सेटअप भाई लग चुका है। ये देखो भाई गाड़ी के ऊपर अपनी लाइट लगा दिए भाई, अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। और भाई लगातार यहाँ पे आवाज़ें आ रही है, सही बताऊँ थोड़ा सा तो मुझे भी काफ़ी डर लग रहा है। तो कुछ नहीं गाइस, तो अपनी पहले भाई सामान निकाल लेते हैं, सेटअप तो हमने जमा लिया है, और जो हमें बनाना है उसको उसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं, क्योंकि ये जो पेड़ है ना हमारे पास में, सही बताऊँ यहाँ पे भी बैठ के भी मुझे काफ़ी डर लग रहा है भाई। कोई नहीं, देखी जाएगी जो होगा। फिलहाल अपनी सारा सामान निकाल के आ रखते हैं और चूल्हा निकाल लेते हैं गाइस। भाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हो भाई, बताओ क्या हुआ? कैंपिंग कर रहा हूँ भाई। भाई यहाँ पे पहाड़ी एरिया है, हाँ जी, भूत प्रेतों का बहुत शोर रहता है भाई। ये तो पता है, हाँ पहाड़ों में भूत काफ़ी रहते हैं। हाँ जी, हाँ, लेकिन भाई मैं तो प्लेन से आया ना, तो मुझे पता नहीं है ना यहाँ पे। नहीं नहीं भाई, यहाँ से आप अपने सामान को उठाओ और निकलने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पे भूत प्रेत बहुत ज़्यादा रहते हैं। ओके, हम तो आपकी लाइट वगैरह देखने के बाद तब आए, हम यहीं पर रहते हैं। अच्छा, पास में रहते हो आप? हाँ जी, हाँ, मैंने जैसे गाड़ी खड़ी की थी ना, मुझे ऐसे लगे जैसे कोई लोग बाग यहाँ पे बात कर रहे हैं। हाँ जी, आवाज आई थी। तो भाई मैं फिर ये बोल रहा हूँ, आप निकलने में फायदा है, यहाँ पे भूत प्रेतों का अपने पेड़ों पे बहुत ज्यादा वो है, अपना थोड़ा जल्दी निकलने की कोशिश करना। ठीक है भाई, मैं निकलता हूँ, आप निकलो यहाँ से। ठीक है भैया, धन्यवाद। क्योंकि हम यहीं पे रहते हैं। ओके, कोई लोग बाग आते हैं तो हम सबको ही बताते हैं। अच्छा अच्छा, कि यहाँ पे रुकना अलाउ नहीं है। आप हमें लाइट वाइट देख के, लाइट वगैरह देख के हम तभी आते हैं, जो भी आता है हम सबको ही बताते हैं। ओके, ये एक खतरनाक जगह है। ओके, ठीक है भैया, थैंक यू भैया। ठीक, आप निकलने की कोशिश करो। जी भैया, बिल्कुल भैया, भैया। अभी भाई एक भाई आए थे शायद यहाँ पे, इधर लाइट भी जल रही है घर की, शायद वो वहीं रहते हैं। तो जैसे मैंने भाई बताया था ना, जब मैं उतरा था तब भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई यहाँ पे भाई बात कर रहे हैं, पता नहीं लगी कि आवाज़ भी देखा भी तो कुछ दिखाई नहीं दिया था मुझे। लेकिन जैसे वो भैया आए थे उन्होंने बताया भाई यहाँ पे भूत प्रेत, पहाड़ों में तो खैर भूत प्रेत रहते हैं, कोई डाउट नहीं है इसका, तो आपको भी पता है भाई। तो कह रहे भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ होता रहता है, आवाज़ आती रहती है, काफ़ी ख़तरनाक हॉन्टेड प्लेस है ये। तो वो कह रहे कि भाई यहाँ से निकलने की कोशिश करो, आप यहाँ पे ज़्यादा देर मत रुको। तो कोई नहीं भाई, भैया तो यहाँ से निकल गए शायद घर की तरफ। तो अपना खाना वाना जो बनाना है वो बनाते हैं, और फिर देखते भाई अगर कुछ होता है ना तो वो आपको भाई क्लियर बताते रहेंगे। तो जल्दी से कुछ ना कुछ खाना बना लेते भाई, देखते अगर भाई कुछ ऐसा लगा ना कि ज़्यादा ख़तरनाक हो रहा है कुछ भी, तो भाई कैंपिंग आज करेंगे नहीं, यहाँ से निकल जाएंगे कहीं और के लिए। क्योंकि भाई जान है तो जान है, रिस्क में तो भाई काम करना नहीं है, क्योंकि इतना रिस्क ही काफ़ी हो जाता है भाई। कहते हैं दोस्तों कि जंगलों में भाई चावल नहीं बनाना चाहिए जहाँ पे हॉन्टेड प्लेस हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा चावल के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा होती है भाई यार। लेकिन आज जो आए थे भाई बिरयानी बनाने के लिए आए थे, उसी का आइटम मेरे पास है, क्या करें, बनाना भी वही है। और भाई ऐसा लग रहा है जैसे कुछ आवाज़ आ रही है चलने की भाई। कोई नहीं, जितना भैंस पालेंगे ना उतना ज़्यादा अंदर से डर लगता है। तो भाई चावल अपने डाल लेते हैं, जितना अपना आपको बनाना है। तो ये चावल भाई मेरे लिए इनफ रहेंगे, और इनको डाल लेते हैं, और इसमें डाल लेते हैं भाई पानी। चावल फुलो लेंगे, फिर अपनी थोड़ी सी आगे की जो प्रिपरेशन है वो चालू कर लेते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी कैंपिंग करेंगे उतना सही रहेगा हमारे लिए, क्योंकि भाई हॉन्टेड प्लेस है, काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है भाई। तो पानी डाल लेते भाई इसमें, तो दोस्तों भाई चावल तो इन्हें हमने इसमें डाल दिया और पानी भी डाल दिया है, और पानी भाई सोयाबीन की बड़ी, तो सोयाबीन की बड़ी भी डाल लेते थोड़ी सी, क्योंकि बिन सोयाबीन के बड़ी के भाई स्वाद नहीं आता। ये हो गई अपनी सोयाबीन की बड़ी, और इनको रख देते अब साइड में। ये तो गाइस भूल ही गए थे, लेकिन भाई हॉन्टेड प्लेस पे इस चीज़ इसका कोई काम ही नहीं है भाई। लेकिन जंगली जानवर भी हो सकता है भाई जहाँ पे हॉन्टेड है, ये तो है ना कि भाई कोई जंगली जानवर ना हो, हाथ भालू भी हो सकता है, लेपर्ड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक्सपेक्टेड कोई वो नहीं है। लेकिन जैसे कि उस भाई ने बताया ना कि भाई काफ़ी हॉन्टेड प्लेस है ये, यहाँ पे काफ़ी भूतिया लोग रहते हैं, यहाँ पे किसी को रुकने की, गाइस बहुत ठंड लग रही है,
जैकेट निकालनी पड़ेगी लगता है। तो भाई जल्दी से अपना कुछ खाना वाना जो भी है बना लेते हैं, तो चॉपिंग कर लेते हैं भाई पहले। छिल्ली आए और जो ये कूड़ा है भाई इसे डाल लेते हैं पोलोथीन में। ये मैंने सही जुगाड़ ढूंढ लिया इसमें भाई, साइड में पन्नी लगाओ और कुछ भी कटता है साथ के साथ पन्नी इसमें कूड़े को डालते रहो। भाई चॉपिंग हो चुकी है, ये देखो प्याज कैरेट भी ले लिया है और अब यहाँ पे भाई अपनी सोयाबीन की बड़ी और बॉल नहीं फुलाने के लिए, तो आगे की प्रिपरेशन कर लेते हैं। भाई गैस अपना चल चुका है, ऑयल डाल लेते हैं भाई। दोस्तों ऑयल अपना गर्म हो चुका है और अब डाल लेते भाई इसमें प्याज। प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। ऐसा लगा जैसे कुछ चल रहा था यार। इनकी ब्राउन हो चुकी है और इसमें डाल लेते हैं टमाटर, क्योंकि अपनी को भाई चटनी तो बनेगी नहीं, तो इन्हीं को भाई ग्रेवी वाला बना लेंगे अच्छे से, इन्हीं को अच्छे से गलाएंगे। प्योर ही चाहिए वैसे टमाटर की, तो टमाटर को अच्छे से गलाने के लिए भाई थोड़ा सा सॉल्ट डाल लेते हैं। इनकी बारी है, इनको भाई फ्राई कर लेते हैं। गाइस ये है मसाला, इसको डाल लेते हैं इसमें। तो दोस्तों ग्रेवी तो बन चुकी है, बस थोड़ा सा इसमें अपने थोड़ी सी रेड मिर्ची चिली डाल लेते हैं।
क्योंकि यार चटपटापन नहीं आएगा ना फिर। तो दोस्तों अब डाले थे भाई इसमें चावल, ये बिरयानी कुछ भाई अलग तरीके से बनाई है मैंने, देखते हैं। एक तो होती है कि प्याजों को फ्राई करके अलग करना उस तरीके से। दोस्तों बिरयानी आज कुछ अलग तरीके से बना रहे हैं, क्योंकि एक तो बनते भाई प्याजों को अच्छे से फ्राई करके उसको अलग निकाल लेना, फिर उसके अंदर खड़े मसाले ये चीज करके थोड़ा सा अलग होता है। आज हमारे पास खड़े मसाले नहीं थे, अदरवाइज हम उसी तरीके से बिरयानी बनाते, कुछ डिफरेंस बना रहे हैं। देखते हैं आज का टेस्ट जो आता है कैसा आता है भाई बिरयानी का। तो गाइस अब डाल लेते इसमें पानी, जितने हमने चावल लिए थे ना उसका डबल पानी। और इसमें डाल दिया है पानी। तो दोस्तों यहाँ पे अपना सब कुछ रेडी हो चुका है, और भाई अब इसको ढक देते हैं अच्छे से। गाइस सही बताऊँ जल्दी से बिरयानी बन जाए भाई, फिर थोड़ा सा रिस्क कम लगेगा, थोड़ा सा गाड़ी अपने बैठ जाएंगे अंदर गाड़ी में, क्योंकि सही बताऊँ बहुत रिस्क लग रहा है। जब से वो भैया बता के गया ना, जब से हालत ख़राब है। तो गाइस तो दोस्तों उन भाई ने बोला था कि ये जो पेड़ है ना भाई, इस पे सबसे ज़्यादा खतरा है, कहते कि इस पेड़ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं। अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन हाँ जब आए थे भाई, जब काफ़ी आवाज़ें आई थी हमें, जब हम आए थे तो जल्दी से अपना खाना बन जाए भाई। तो बस उसी का वेट है कि जल्दी से अपना खाना बन जाए, क्योंकि से बताऊँ जब से वो बोल के गया था ना तब से डर है। क्योंकि जब हम आए थे ना नीचे, हमसे एक बंदे ने बोला था भाई इधर मत जाओ, फिर भी हम आए थे कि कोई नहीं आप क्या पता मना कर देते, बट दो बार आज हमें वार्निंग मिली है भाई। तो देखते हैं दोस्तों लाइव आ चुके हैं भाई यूट्यूब पर, ये देखो दोस्तों कैंपिंग में लाइव आ रहे हैं हम। तो दोस्तों जल्दी से फटाफट जब भी लाइव आए ना यार फटाफट जुड़ा करो, क्योंकि जो जितनी जल्दी जुड़ेगा ना यार उतना बेस्ट आ जाता है और उतना ही अच्छा लगता है यार। ये देखो भाई कुछ अपना सेटअप, और यहाँ पे भाई अपना देखो खाना बन रहा है अभी, देख रहे हो। राहिल भाई संयम भाई वीडियो बन रही है, यस भाई वीडियो बन रही है, कैंपिंग से लाइव आ रहे भाई। और आज कैंप लाइव आना था, आई लाइव भी आई है, वीडियो भी डालनी थी यार 8 बजे, भूल गया यार शिट। दीपक सराफ डाल दो अभी से, ओके दीपक भाई अभी डाल देता हूँ, वेट करो एक मिनट के लिए, वेट करो बस ठीक है, एक मिनट वेट। राहिल भाई हाय, संयम भाई, दीपक सराफ भाई हेलो, भाई हेलो, राहिल भाई हेलो, भाई फटाफट लाइक करते रहो यार, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करते रहो भाई, जी जिसको नाम बुलाना है ना भाई वीडियो में, तो भाई फटाफट कमेंट्स करो यार। राहिल भाई बिल्कुल बढ़िया मस्त हूँ, कोई टेंशन नहीं है भाई, कैंपिंग करने आए हुए, डीप फॉरेस्ट है, सोलो आया हूँ, अकेला हूँ, और भाई डर काफी लग रहा है, क्योंकि जिस प्लेस पे है ना हॉन्टेड प्लेस है, यहाँ पे भाई मुझे आज 2 बार वार्निंग मिली है, बिरयानी बन रही है, और कहते भाई जहाँ पे हॉन्टेड प्लेस हो बिरयानी चावल नहीं बनना चाहिए, फिर भी क्या करूं भाई लेके ही यही चीज आया था। और कैसे हो संदीप भाई, कैसे हो शराब भाई, कैसे हो आप, अपनी कैंपिंग वीडियो में मेरा भी ले लो, दीपक भाई ले लिया आपका नाम भाई, संदीप भाई का नाम भी ले लिया है। और कैसे हो आप संदीप भाई, बिल्कुल मस्त मोला हूँ, आप सुनाओ आप कैसे हो।
क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करोगे ना भाई, बहुत ज्यादा मोटिवेट और आप लोगों का प्यार मिलता है ना भाई, ऐसा मन करता है कि जंगल पूरा जंगल छान मारो यार कैंपिंग के लिए, सही बताऊं। बट आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए यार। हाय भाई, हाय प्रथा भाई कैसे हो, और हाय प्रथा नाथ भाई, दीपक सरा भाई, हाय एक और बंदा जुड़ा है कनेक्ट विद केपी, है कौन भाई? तो भाई आई एम आर्यन फ्रॉम यूपी नोएडा, और भाई मैं कैंपिंग की वीडियो बनाता हूँ, चैनल पर जाइए, चैनल का लिंक पड़ा हुआ है चैनल पे, इसी चैनल पे जाके कैंपिंग विद आर्यन पे भाई वीडियो देख सकते हो आप, और भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या है भाई राहुल भाई, आप पूछ रहे हो, कल भी लास्ट लाइव में भी आए थे भाई, मेरा नाम आर्यन है। थैंक यू ब्रो, थैंक यू, जिस जिसने लाइक कर दिया ना लाइव को तो भाई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने नहीं किया भाई उसके लिए भी धन्यवाद, प्लीज कर दीजिए। दीपक सराफ भाई, ये वाली कैंपिंग वीडियो कब आएगी? भाई ये वाली मे बी ट्यूसडे या वेनसडे आएगी भाई। राहिल भाई आपका क्या नाम है? राहिल भाई मेरा नाम आर्यन है भाई, आपको लास्ट कैंपिंग में भी आता, आप लास्ट कैंप लाइव में भी आए थे भाई कैंपिंग की, और इसमें राहिल भाई आपकी लास्ट कैंपिंग में भी वीडियो जो आएगी ना उसमें भी आपका नाम लिया हुआ आई थिंक। संदीप भाई आपके साथ साथ ध्यान भी रखा करो चारों तरफ, भाई बिल्कुल ध्यान है, लाइटिंग की हुई है भाई मैंने, भाई बिन लाइट के कुछ नहीं है, ये भी जो लाइटिंग कर रहा हूँ ना ये भी इसलिए करता हूँ क्योंकि रेड कलर की लाइटिंग चमकती है ना तो ऐसा लगता है जैसे आग जल रही हो, तो जानवर से थोड़ा सा मुझे सेफ करती है, बैकग्राउंड में ये ऐसी गाड़ी के चारों तरफ मैंने लगा दी है ताकि मैं थोड़ा सेफ रहूं, समझ रहे हो? और थोड़ा अब आपसे बात करूं तो शोर भी काफी हो रहा है ना, तो प्रॉब्लम नहीं है। मेंबर नाइस, थैंक यू ब्रो, बीटीएस मेंबर भाई आपका नाम भी ले लिया है। प्रथानाथ जी कह रहे हैं, अरे परथो नेम का मतलब है अर्जुन ऑफ कोर्ट, बोलो ना सबको सब्सक्राइब करेंगे। ओके ब्रो, भाई प्रथा भाई का कहना है कि परथो नेम का जो मतलब है वो है अर्जुन ऑफ कोर्ट, ठीक है, तो बोलो ना सबको सब्सक्राइब करो, सब सब्सक्राइब करेंगे भाई, सब्सक्राइब करवा दो अब। संदीप भाई, भाई खाने में क्या बना रहे हो, दिखाता हूँ भाई खाने में आप लोगों को, पता नहीं टॉर्च जला लेते हैं तो। ये देखो दोस्तों बिरयानी अपनी डन है, बिरयानी खाते बेहतरीन सी, ये देख लो कैसी लग रही है, कमेंट्स करके बताना भाई। प्रथानाथ कह रहे चिकन बिरयानी है क्या? नहीं भाई चिकन नहीं है, वेज बिरयानी है भाई, चिकन बिरयानी नहीं है, चिकन बिरयानी बनाएंगे अगली कैंपिंग वीडियो में। और राहिल भाई कह रहे मैं भी खाने आ जाऊं क्या? बिल्कुल भाई, मोस्ट वेलकम भाई, आप लोगों के लिए तो बनती है भाई ये। इंस्टाग्राम पे जाओ फॉलो कर लीजिए आप लोगों, आप जो जो फॉलो कर लेगा भाई कभी मैसेज कीजिए, आप लोगों के पास रिप्लाई आएगा, बात भी करने कहें तो भाई कॉल पे भी बात करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी पूछना वो पूछ सकते हो आप। एसयूवी किंग भाई आपका यूट्यूब चैनल है, ओके ब्रो थैंक यू, बेस्ट है भाई, होना चाहिए भाई। तो दोस्तों लगता है बिरयानी अपनी डन, ओहो हो दोस्तों बिरयानी अपनी बन चुकी है भाई, कच्चे तो नहीं है? नहीं नहीं बढ़िया। तो दोस्तों ये देखो भाई अपनी बिरयानी, ओहो हो क्या यम्मी यम्मी है भाई, ये देखो यार, ओहो स्वादिष्ट स्वादिष्ट। तो भाई तो डाल लेते हैं इनको प्लेटों में, ओहो तो इसको ढक के बंद कर देते यार। तो गाइस ये देखो अपनी यम्मी यम्मी बिरयानी, और ले लेते हैं चम्मच, ये देखो गाइस। तो गाइस ये आप लोगों के लिए भाई, ये देख रहे हो ये आप लोगों के लिए। तो भाई खाने से पहले थोड़ा बाहर निकाल देते हैं, जाओ तो लेट्स ट्राई भाई। मजा आ गया भाई, ओए होए होए,
आवाज सुनी आपने? ऐसा लग रहा है जैसे कोई बोल रहा हो। देख रहे हो? अब नहीं आ रही आवाज। कहीं जल्दी से चावल खा लेते भाई। ऐसा लगा था जैसे कोई बोल रहा हूँ। दोस्तों जिस जिस भाई को वीडियो में अपने नाम बुलाने, भाई लाइव आता हूँ मैं वीडियो में, तो भाई लाइव में जुड़ो, उन सभी के नाम लिए जाएंगे वीडियो में फटाफट। और भाई मैं बहुत जल्दी मई अप्रैल में केदारनाथ के ट्रैक के लिए निकलूँगा। जिस भाई को साथ में अगर केदारनाथ का ट्रैक करना है ना भाई, कैंपिंग करनी है, तो भाई जाओ ज्वाइन करो चैनल को, सब्सक्राइब करो और भाई ज्वाइन करो मेंबरशिप को, क्योंकि ज़्यादा महंगी नहीं है भाई, छोटी सी अमाउंट है, आप ज्वाइन कर सकते हो बहुत प्यार से। ज्वाइन करो, पोस्ट मिल जाएगा, फिर अपने टैग करेंगे साथ में मिलकर। और भाई काफ़ी खतरनाक आवाज़ें आ रही है जंगल से, तो हम खाना खाया था उस टाइम भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई बोल रहा हो भाई। भाई बोलने की आवाज़ जो ना कैमरे में आई थी कम आती है, भूत प्रेतों की मतलब कि सूट कम होता है, होता है नहीं होता पता नहीं, लेकिन दिखता नहीं है, आवाज़ नहीं आती भाई कैमरे में, सही बताओ। बट जो हम फील कर सकते हैं ना, वो अपनी फीलिंग बता सकते हैं कि अभी क्या हो रहा है क्या नहीं, बट कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पाता भाई वो चीज़। तो अपना सारा सेटअप भाई जल्दी से गाड़ी में डालते हैं और मिलते हैं भाई गाड़ी के अंदर, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। टाइम की बात करूँ ना, देखो आपको पता है लाइव भी किस टाइम आया था, 9:30 बजे मैंने वीडियो डाली है, और अभी टाइम हो रहा है गाइस ये देखो 9:57, देख रहे हो? तो रात के 10 बज रहे हैं भाई, और भूत प्रेतों का ज़्यादा जो वास होता है ना 12 बजे होता है। तो जल्दी से अपना सारा सामान सेटअप सब कुछ डालते हैं गाड़ी के अंदर, आपको मिलते हैं फिर गाड़ी के अंदर। तो दोस्तों देखिए, हमने अपना सारा सामान भाई सारा लेके गाड़ी के अंदर रख दिया है, और चलते भाई गाड़ी के अंदर, क्योंकि बिल्कुल डीप फॉरेस्ट है, और से बताऊं डर काफ़ी लग रहा है। तो ये देखिए भाई, ओहो जय भोले की, भोले शंकर तेरा ही सहारा। तो गाड़ी के शीशे चढ़ा दिया गाइस, आ गए गाड़ी के अंदर। दोस्तों वीडियो कैसी लगी तो कमेंट्स करके बताइएगा। अब गाड़ी के अंदर है ना, थोड़ा सेफ फील कर रहा हूँ सही बताऊँ। अदरवाइज भाई हालत ख़राब थी बाहर, क्योंकि अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, वीडियो कई बार बंद हुई थी ना, ऐसा लगता था जैसे कोई भाई पास से निकल के जा रहा है, जैसे कुछ लोग बात कर रहे हैं ऐसे आवाज। और सबसे पहली चीज़ कि भाई जब मैं गाड़ी से उतरा था ना, उतरते ही आवाज़ आ रही थी, आई थिंक कैमरे में भी पता नहीं कैप्चर हुआ या नहीं हुआ, आई डोंट नो, होता है या नहीं होता पता नहीं भाई, बट भाई था, आज हालत ख़राब थी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। चैनल पर गाइस नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और गाइस यहाँ से निकलते हैं भाई, यहाँ नहीं रुकेंगे, क्योंकि दो बार हमें वार्निंग मिली थी। तो मिलते हैं अगली कैंपिंग वीडियो में, अगली अच्छी एडवेंचर वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।